नज्म का उनवान है हास्टल। मैं कुछ दिनों से उदास बैठी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, ये हॉस्टल है या जेल खाना, तुम अपने चेहरे का हाल देखो। मैं कुछ दिनों से उदास बैठी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, ये हॉस्टल है या जेल खाना, तुम अपने चेहरे का हाल देखो। मैं सोचती हूँ कि घर से चावल बना के लाऊं, तुम्हें खिलाऊं, तुम अच्छा खाना कभी तो खाओ। मैं सोचती हूँ कि घर से चावल बना के लाऊं, तुम्हें खिलाऊं, तुम अच्छा खाना कभी तो खाओ। अब अपने चेहरे का हाल देखो, ये गाल अंदर को दब चुके हैं। अब अपने चेहरे का हाल देखो, ये गाल अंदर को दब चुके हैं। कभी तो आंखों पे गौर कर लो, सियाह होंठों का ध्यान रखो। तुम्हारी सोहबत बुरी है लड़के, ये सिगरेटों विगरेटों को छोड़ो, ख्याल रखो। कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि जब्त तोड़ूं, मैं घर में कह दूं कि एक शायर जो अपने लफ्जों के पेचो खम से जमीन को गर्दिश का फन सिखाए, फिर एक मिसरा तराशे उसमें फलक लिखे और सितारे बांटे, फिर एक दम से वो माहिरे नफ्सियात बनकर किसी सितारे में आग ढूंढे, किसी में आंसू, किसी में आंखें, कहीं मोहब्बत के नक्श देखे। वो नफ्सियाती मरीज लोगों पे नज्म लिखे तो फ्रॉइड बनकर हर एक बीमारी का हल निकाले, फिर एक मोहब्बत पे शेर लिखे और एक नफरत पे शेर लिखे। वो दोनों शेरों को एक करके कता बनाए तो इश्क फूटे। वो जॉर्ज हीगल इसी तरह के जदलियाती तमाम नुस्खे गजल के बनने पे सर्फ कर दे। मैं सोचती हूँ कि घर में कह दूं वो एक शायर मेरी खुशी है, वो एक शायर ही दो जहां है, ये एक शायर ही मेरा मंदिर, ये एक शायर ही देवता है। मगर तुम्हें तो पता है हादी हमारे रस्मों रिवाज क्या हैं, तुम्हें पता है कि पगड़ियों के तमाम पेचों में सिर्फ औरत बंधी पड़ी है। मगर तुम्हें तो पता है हादी हमारे रस्मों रिवाज क्या हैं, तुम्हें पता है कि पगड़ियों के तमाम पेचों में सिर्फ औरत बंधी पड़ी है। फजूल बातें मैं सोचती हूँ, तुम इनको छोड़ो, तुम अपने चावल मजे से खाना फिर अपने कमरे को साफ करना। फजूल बातें मैं सोचती हूँ, तुम इनको छोड़ो, तुम अपने चावल मजे से खाना फिर अपने कमरे को साफ करना। तुम्हें कसम है तुम अपनी हालत पे रहम खाओ, ये हॉस्टल है या जेल खाना, तुम अपने चेहरे का हाल देखो।